आई एम फीलिंग रियली प्राउड टुडे और आई थिंक दिस वॉज समथिंग लाइक ए ड्रीम टुडे कि सर आके मुझे फेलिसिटेट करे. आज फर्स्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया सर को कि सर प्लीज मुझे फेलिसिटेट करो, नहीं भी बिकॉज करता आई तो मैं आ जाता। क्योंकि आई रियली वॉन्टेड हिम टू फेलिसिटेट मी, बिकॉज आज जो भी हूँ इनके वजह से हूँ, मेरे क्रू के वजह से हूँ. और आई थिंक ही इज द वन हु हैज रियली गॉट अस ओवर हियर. एंड मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ हम ही है, पर जो भी टैलेंटेड लोग होते हैं, जो भी टैलेंट टैलेंट है आजकल, उन्हें प्रमोट प्रमोशन ने बहुत अच्छे से किया है और ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड देम. आई एम रियली आई फील रियली रियली आई फील प्राउड टुडे, मोर देन द मोमेंट आई गॉट दिस, बट आई रियली फील प्राउड टुडे. दावे के साथ कह सकता हूँ कि पवन स्पेशली ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जर्नी मैंने देखी है और कहाँ से आके और आज इस मुकाम पे आया है कि ये मिस्टर इंडिया, इसके गले में ये मेडल लटक रहा है और मिस्टर इंडिया का ये सेकंड रनर अप हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग हो रही है मुझे, क्योंकि जो स्ट्रगल इसने किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और सबसे ज़्यादा प्राउड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि जब एक डांसर से आदमी और ऊपर जाता है और उसके बाद इस मुकाम पे पहुंचता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है कि यार ये इसने कुछ अचीव किया है, एंड टू अचीव दिस इज़ समथिंग रियली रियली अ प्राउड मोमेंट, मतलब इसके लिए जितना है उससे ज़्यादा मेरे लिए। अब तो डेफिनेटली पहले तो स्टार्ट हुआ था थोड़े से, अब क्योंकि ये हो गया तो काफ़ी दरवाजे खुल जाते हैं इस मुकाम पे आने के बाद, एंड क्योंकि ये पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ इसको कि यार तू इतना टॉल है, तू इतना हैंडसम है, तू अच्छा है, तू कुछ और आगे सिर्फ डांसर मत कर, तू और आगे कुछ करते थे, तो आज इसने सेकेंड रनर अप आया मिस्टर इंडिया में, तो डेफिनेटली बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं और अब तो फिल्म बना सकते हैं फिल्म यार। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्टिंग में फिलहाल. फ्रॉम डांसिंग तो यार वो इट्स देयर इन माई ब्लड, जैसे पैशन होता है, बट मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है. पर नॉट राइट नाउ, आई वॉन्ट टू बी मोर बेटर, मुझे और अच्छा बनना है. एंड जब आऊँगा तो अच्छे से अच्छे आऊँगा, से आएगा। बट नॉट नाउ, बट आई हैव स्टार्ट ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट अच्छे से. मुझे रेमो सर के साथ काम कर रहे हैं सबसे बिल्कुल, पहले. काम करेंगे साथ में, और क्योंकि ये बहुत अच्छे डांसर हैं और एक्शन भी कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, स्टंट बहुत अच्छा करते हैं, दिखते अच्छे हैं, टॉल हैं, इतनी हाइट में बहुत मुश्किल से लोग कुछ कर पाते हैं, लेकिन ये सब कुछ कर लेता है, तो मेरे ख्याल से स्कोप बहुत ज़्यादा है पवन के लिए, आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, अब तो ये शुरुआत है, मैं तो ये कहूँगा कि ये तो शुरुआत है, अब बहुत आगे जाएगा ये। यस सर, डेफिनेटली. नहीं कि वही है कि आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक देम, थैंक एवरी वन, एंड स्पेशली वॉन्ट थैंक सर. दिस इज आई ऑलवेज रिमेंबर दिस डे, बिकॉज दिस डे इज रियली स्पेशल फॉर मी टुडे कि सर इज देयर विथ मी राइट नाउ एंड ही इज सो फीलिंग सो प्राउड. एंड आई एम द प्राउडेस्ट, मतलब जैसे एक बाप के लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। नो डाउट.